अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स एम आर टेक जानी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं फिर आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज की स्टूडियो में मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्रिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। मज़ीद वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूँगा कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने का मतलब ये होता है कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है दोस्तों, मजीद वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आज की वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि आज की वीडियो में मैंने आपको जोंग और जैज के इंटरनेट सेटिंग करने का तरीका कार बताना है। तो चलिए दोस्तों, मैं अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लेता हूँ। मैं अपने मोबाइल की सेटिंग में आ चुका हूँ। यहां पर आपने कैसे अपने खुद से सेटिंग क्रिएट करनी है जैज की और जोंग की, उसका तरीका कार आपको बता देता हूँ। यहां पर सबसे पहले नेटवर्क एंड इंटरनेट लिखा हुआ है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपने मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक करना है। यहाँ पर मेरी जोंग की सिम है। पहले मैं आपको जोंग की इंटरनेट सेटिंग करने का तरीकाकार बता देता हूँ, उसके बाद जो है आपको जैज की इंटरनेट सेटिंग करने का तरीकाकार बता दूंगा। यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क पर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जोंग और दूसरे नंबर पर जो है जैज है। यहाँ पर आप जोंग देख रहे हैं और यहाँ पर आप जैज देख रहे हैं। अब यहाँ पर आपने सिंपली एक्सएक्स पॉइंट नेम पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा सेटअप शो होगा। अब आपने सिंपली करना ये है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस का बटन, यहाँ पर प्लस के बटन पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर आपने नेम पर क्लिक करना है, नेम पर आपने जोंग इंटरनेट लिख देना है। यहाँ पर मैंने जोंग इंटरनेट लिख दिया है। उसके बाद दोस्तों APN जो है बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपने APN पर टाइप करना है। यहाँ पर APN पर टाइप करेंगे आप और यहाँ पर आपने इंटरनेट लिखना है। याद रहे इसके अलावा आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ इंटरनेट लिखना है। अब यहाँ पर यूज़र नेम आ जाता है। दोस्तों यूज़र नेम पर आपने जोंग लिखना है, क्योंकि आपकी जोंग की सिम है तो आपने यहाँ पर जोंग लिखना है। उसके बाद दोस्तों आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पर पासवर्ड की भी बात करते हैं ना, पासवर्ड पर आपने क्लिक करना है। पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने 1234 दे देना है, उसके बाद ओके कर देना है। लीजिए आपकी सेटिंग जो है एक नॉर्मल तरीके से मसलन के तैयार हो चुकी है, लेकिन अभी खत्म नहीं हुई। आपने आगे क्या करना है, आपने यहां पर देखना है APN टाइप। यहां पर आपने ये ऑप्शन आपको कहीं भी मिल सकता है इसी सेटिंग के अंदर, तो आपने यहां पर क्लिक करना है और यहां पर आपने डिफॉल्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। यानी कि आपने यहां पर डिफ़ॉल्ट लिखना है, DEFAULT। आपने ये स्पेलिंग जो है आपने याद से जो है ना ये स्पेलिंग आपने लिखने हैं और डिफ़ॉल्ट के बटन पर मसलन के ओके कर देना है। अब यहाँ पर आप 3 डॉट देख सकते हैं, यहाँ पर 3 डॉट है आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेव कर देंगे। आप जैसे ही सेव करेंगे तो यहाँ पर आपको जोंग इंटरनेट सेटिंग क्रिएट न्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पर आपने ओके का बटन पर क्लिक कर देना है, यानी कि ग्रीन जो निशान है वो यहाँ पर क्लिक कर देना है। ये तो हो चुकी है दोस्तों जोंग की इंटरनेट सेटिंग। अब चलते हैं जैज की इंटरनेट सेटिंग के बारे में। यहाँ पर जैज पर क्लिक किया, एक्सेस पॉइंट नेम पर क्लिक किया, अब यहाँ पर प्लस के बटन पर क्लिक किया। अब यहाँ पर नेम पर जैसे आपको पता है आपने जोंग लिखा था, यहाँ पर जैज लिख देना है, जैज इंटरनेट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जैज इंटरनेट मैंने लिख दिया। 2 इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको पता चल जाए कि ये मेरी एक न्यू सेटिंग क्रिएट हुई है। आगे बहुत ज़्यादा सेटिंग क्रिएट हुई हैं। ओके के बटन पर क्लिक किया, यहाँ पर इंटरनेट लिख दिया। इंटरनेट लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर पोर्ट पर क्लिक किया। पोर्ट पर क्लिक करने के बाद 8080 मैंने कोड डायल कर दिया। उसके बाद यूज़र नेम पर क्लिक किया, यूज़र नेम पर मैंने जैज लिख दिया। उसके बाद पासवर्ड पर क्लिक किया, पासवर्ड पर मैंने 4 दफ़ा यानी कि 4 दफ़ा 1 1 लिख दिया, ओके कर दिया। अब यहाँ पर जैसे आपको APN का बताया था कि आपने डिफ़ॉल्ट लिख देना है, यहाँ पर मैंने डिफ़ॉल्ट लिख दिया है, उसके बाद ओके कर दिया है। अब ओके करने के बाद यहाँ पर 3 डॉट देख सकते हैं, 3 डॉट पर मैंने जाके इसको सेव कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैज इंटरनेट 2 सेटिंग तैयार हो चुकी है। सिंपली आपने ग्रीन निशान इधर भी कर देना है और इंटरनेट सेटिंग का मज़ा ले लेना है, यानी कि इंटरनेट सेटिंग काफ़ी बेहतर हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फर्स्ट टाइम है तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट है हमारे
इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे मजे मजे की वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ और आपकी खिदमत में लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए दोस्तों इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।